ये है अव्यान भैया फ्रॉम आध्या, आध्या का नाम इसमें थोड़ा मिट गया है। तो ये गिफ्ट है प्यारा सा, एक छोटा सा अपने भैया के लिए। तो गाइज ये सब हैं इनके गिफ्ट्स जो कि इनके मामा मामी मौसी मौसा और इनके मामा और इनके चाचा दादा दादी सब ने ये सब भिजवाया है। और ये है एक साइकिल जो कि इनके छोटे वाले मामा ने भेजा है। और सेट है जो कि इनके चाचू ने दिया है मेरे देवर ने, ध्रुव। तो उन्होंने गिफ्ट कार्ड भेजा था मिंत्रा का मुझे, तो मैंने ये मिंत्रा से अपने पसंद का ऑर्डर किया था। बेटू मेरे साथ खेल रहा था ना, बेटू इधर आओ, आपके बाल कैसे हो गए, इधर आओ जल्दी। ये मेरा बेटू देखो अभी लिख रहा है। बेटू क्या लिख रहे हो? हाँ। और गाइस एक गिफ्ट ये है जिसमें कि इसमें सारे वर्ड्स हैं और इस पे लगाना होता है और ये पढ़ें और खेलें इसको, तो दोनों ही बहुत अच्छा है। ये भी इनके मामा लाए थे और मेरा बेटू ये खेलता है, इसको बहुत पसंद आता है। हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरा बेटू, हम दोनों अभी खाना खा के जस्ट बैठे हुए हैं। मेरा बेटू मेरे साथ खेल रहा था ना, बेटू इधर आओ, आपके बाल कैसे हो गए, इधर आओ जल्दी। ये कैसे बाल बना लिए हो? मेरे बेटू के बाल काफी सिल्की है और इनका मुंडन भी एक ही बार हुआ है, तो इसलिए इनके बाल भी थोड़े ऐसे अजीब से हैं। तो अभी हम लोग इनका बाद में मुंडन मुंडन कराएंगे, है ना बेटू? आपको गंजा मत कराओ। गंजा करा दे? हाँ नहीं यार। ये कैसे बाल हो रखे हैं आपके? और इनको थोड़ा जुकाम वगैरह था तो मैंने इनको तेल लगा दिया था, तो इनके बाल और थोड़े चिक्कू से हो गए हैं ना बेटू। दिखाओ, आओ जरा, आओ जरा, आपको पुच्ची कर ले तो जल्दी आओ अब मैं। हाँ वाह, मेरे बेटू अपने आप बाल सेट कर लेता है, बहुत अच्छा बच्चा है। अब नहीं आएंगे, आप तो गुड बच्चा हो। तो गाइज जैसे कि मेरे बेटू का बर्थडे अभी अभी गया है और आप लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी इनको वेल विशेस करी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने सबको रिप्लाई भी किया है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया हो, और सबको मैंने रिप्लाई किया है। और मेरे बेटू के लिए आपने जितनी भी दुआएं दी सबको बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और इनके जो गिफ्ट्स मिले थे मैं उसकी आज अनबॉक्सिंग करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे बेटू को क्या क्या मिला है। क्या मिला है? क्या? तो मैंने सब कुछ रख दिया है, अब मैं दिखाती हूँ आपको कि इनको क्या क्या मिला है, ठीक है? तो चलो दिखाती हूँ मैं इनको क्या क्या मेरे बेटू को मिला है। लाइट जलाती हूँ। क्या मिला है बेटू? इतने सारे गिफ्ट। मेरा बेटू बताएगा कि बेटू को क्या क्या मिला। बेटू क्या मिला है? तो इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं मेरे बेटू को, जो जो है मैं अभी आप लोगों को सब दिखाती हूँ। ये भी मिला है। सबसे फेवरेट कौन सा है आपका? सबसे फेवरेट? हाँ दोनों सारे इनके फेवरेट हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि बेटू को क्या क्या गिफ्ट और किसने दिया है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है बेटू? और मेरे बेटू को सबसे ज्यादा क्या पसंद है वो सब भी दिखाऊंगी। तो जो पहले हैवी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ और इसको साइड में रख दूंगी। हाँ ठीक है। तो गाइज ये है बेटा, नहीं शोर नहीं। तो गाइज ये है एक साइकिल जो कि इनके छोटे वाले मामा ने भेजा है। ये रही, ये आपने देखा ही होगा ऐसी वाली। तो ये इनके छोटे वाले मामा ने भेजा था मुंबई से, ठीक है बेटा? ये इनकी साइकिल है, क्योंकि ये थोड़ी हैवी है तो मैं साइड में रख दूंगी। और दूसरा गिफ्ट है ये हाउस है, एक खोल के दिखाती हूँ। मेरा बेटू इसको खेल खेल के थोड़ा कबाड़ा बना चुका है, ये ऐसे घर बनाने वाला है। और ये मेरे लाए थे चाचा चाची, इन्होंने उनसे बोला था कि चाचा मुझे गिफ्ट लाना, मेरे लिए घर लाना, तो ये चाचा चाची इनके लिए लाए हैं। और ये काफी अच्छा, और ये बहुत खेलते हैं। इसमें क्या है, घर के अंदर इनको ये सब घर घर बनाने वाला, सोफा लगाने वाला, बेड लगाओ, अलमारी, हाँ अलमारी लगाओ, तो ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है, तो ये इनका फेवरेट है ये खिलौना। हाँ कुर्सी। आप इधर चलो, चलो इधर। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। बेटा पीछे चलो। तो गाइस ये थर्ड है, ये कपड़े हैं, कॉर्ड सेट है जो कि इनके चाचू ने दिया है मेरे देवर ने, ध्रुव। तो उन्होंने गिफ्ट कार्ड भेजा था मिंत्रा का मुझे, तो मैंने ये मिंत्रा से अपने पसंद का ऑर्डर किया था। तो उसने मुझे गिफ्ट कार्ड भेजा था कि भाभी आप बेटू के लिए कुछ अच्छा सा ले लेना, उसके कपड़े ले लेना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है और कॉलेज वगैरह है, काफ़ी चीज़ों में बिजी है वो। तो उसने भेजा, मैंने बोला भी था कि क्या ज़रूरत थी, पर उस वो हमेशा देता है इनको। तो ये था
एक बहुत प्यारा सा थैंक यू चाचू बोलो। थैंक यू चाचू। तो ये चाचू का था कि थैंक यू, जिसने जिसने भी दिया है सबको थैंक यू। बाकी ये गिटार इनके पापा ने दिलवाया था, आप लोगों ने काफी लोगों ने इसका प्राइस भी पूछा था, तो इसका प्राइस है 450 का था, ये 450 रुपए का था ये, और इनको बहुत मन था तो इनके पापा ने इनको दिला दिया था। बाकी ये है एक गिफ्ट, क्या है बेटू ये है बबल मशीन, जो बबल्स नहीं उड़ते हैं ये इनके नाना ने भेजा था, इन्होंने मांगा था नाना से फोन करके कि नाना मेरे लिए बबल मशीन भेजना, तो ये मशीन है, इसमें शैम्पू डलता है तो ये बबल्स निकलते हैं। ठीक है बेटू, जो मैं दिखा दे रही हूँ साइड कर दो, ठीक है। बाकी क्या है ये भी खिलौने हैं, इनके मामा लाए थे, बड़े वाले मामा, जो कि इसे छोटे छोटे ऐसे है, इसे सेट करो घर बनाओ, है ना बेटू, ऐसे ऐसे पूरा करके सेट करो, तो ये काफी अच्छा है, यूजफुल है इनके लिए खेलने का। मैं इनके खिलौने खोल देती हूँ तो मैं काफी इसमें डिस्टर्ब हो जाती हूँ। ये एक सेकेंड बेटा, एक एक करके रुक जाओ। और ये गिफ्ट है, ये भी इनसे मतलब रिलेटेड है इनकी पढ़ाई लिखाई से, क्योंकि अब इनका स्कूल चालू होगा, एडमिशन वगैरह कराऊंगी, तो ये इनकी मौसी ने भेजा था। अल्फाबेट्स हैं और इसको कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि बी से वैन, ये सब है इनके पढ़ने के लिए है, ये सब चीजें काफी अच्छी हैं। तो जैसे ये देखो, ये सब है और ये है क्यू, तो इसको आप पेंट भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो, और इसको रब भी कर सकते हो, आप मिटा सकते हो, तो ये इनके लिए काफी अच्छा, और ये खेलते भी हैं इससे, है ना बिट्टू। ये अच्छा लगा था, ये इनकी मौसी ने भेजा था, मेरी बहन ने भेजा था, वो दिखाना बेटा। और एक ये सेकंड है, ये भी इनके मामा लाए थे, ये भी काफी अच्छा है, और इसको मेरा बेटू सबसे ज्यादा खेलता है। इसमें क्या है, बच्चे कलर पहचान सकते हैं, जैसे कि ये ग्रे कलर है और ये माउस है, तो इसको ऐसे जॉइंट करो, जोड़ते हैं इसको, तो ये मेरा बेटू बहुत अच्छे से सारा बना लेता है मेरा बेटू, तो ये काफी अच्छा है, देना बेटू। एक ये है, ये भी इनके मामा लाए थे, ये स्टिक है, आप लोगों ने देखा होगा, इसे घर बनाओ या कुछ भी है खेलो, है ना बेटू, तो ये भी मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पेंट वाला रखो। और एक ये है आयरन मैन, सुपरमैन, इसमें सारे हैं, एवेंजर्स की टीम है पूरी, तो ये मेरे बेटू को इनके फ्रेंड ने दिया था, बेटू के फ्रेंड ने दिया था ये, है ना बेटू, ये मेरे बेटू ये भी बहुत खेलता है, सारे गिफ्ट है। और एक ये पंचिंग बैग, ये था, ये भी काफी, ये इनके पापा ने दिलाया था, आप लोगों ने किसी ने कमेंट किया था कि ये कितने का था, तो ये कुछ 350 या 300 का कुछ ऐसा समथिंग, हाँ मुझे याद नहीं है। ये भी पंचिंग बैग है, ये इनके पापा की बुआ लाई थी, मतलब इनकी बड़ी बुआ लाई थी ये, तो ये भी पंचिंग बैग एक था, एक और बुआ लेके आ गई थी, तो ये भी है, ये भी दोनों यूज कर लेंगे। बाकी दिखाओ बेटू और क्या है। और गाइज एक ये पूरा बैग है इनका, इनके कपड़े वपड़े रखेंगे, स्पाइडर मैन है, और ये इनकी मामी ने भेजा है, मतलब कि मेरी भाभी ने, जो भाई आया था उनकी वाइफ, ये पूरा बैग भेजी थी, और ये बैग इनको बड़ा अच्छा लगता है, इसके ऊपर ये बैठ जाते हैं, और दिन में 2-4 बार ये बैग खुलता है। खोलना बेटा, अब इसमें क्या क्या है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज इसमें एक बैग है, रुक जाओ बेटा, एक एक करके खोलने दो। तो इसमें एक बैग है, स्कूल बैग है ये बैटमैन का, और दिखाओ क्या है, और ये, और इसमें ये इनके मामा लाए थे, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या है, ये कलर्स वगैरह पहचानने के लिए बच्चों को, और 1-2 ये सब पहचानने के लिए, और पूरे अल्फाबेट्स है इसमें, ABCD ये सब पढ़ने के लिए काफी अच्छा है, ये भी सीढ़ी वाला बेटा, तो ये भी इनके लिए काफी अच्छा है, ये जब अपना स्कूल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ जाने के लिए, इनको खेलने के लिए, पढ़ने के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये नेक्स्ट है, ये भी इनकी मौसी ने भेजा था, इसमें भी पजल्स है, ये भी इनके मौसी ने, और ये अभी ये भूले हुए हैं, वरना इनको याद रहता है, ये कलर करो। और एक तो मेरे बेटू ने एप्पल कलर भी किया, आप लोग देखो कितना अच्छा कलर किया है, एरोप्लेन कलर किए थे और मिटा चुके हैं,
और ये पजल्स हैं इसमें, ये पजल्स इसको सुलझाते हैं, खेलते हैं, काफी यूजफुल है ये भी इनके लिए। और ये भी इनकी मौसी ने भेजा था, इनकी मौसी ने दो गिफ्ट भेजे थे, दोनों ही इनकी स्टडी से रिलेटेड थे और काफी अच्छा था। और क्या करो बेटा दिखाना। और एक ये स्टडी बुक है जो कि साउंड करती है, काफी अच्छी है ये भी, ये भी इनके मामा लाए थे बड़े वाले। इसमें भी बैटरी लगेगी तो ये साउंड करती है सारी चीजें, पोयम वगैरह इसमें। हाँ ये भी काफी अच्छी है, इनके यूज की है ये। और ये टैब है, टैबलेट है जो कि इसमें लिखो रब करो, तो ये भी काफी अच्छी है। ये सेल है और ये अपने खिलौने देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत खुश होते हैं, देख सकते हो आप लोग खुद ही। और एक ये है मैजिक बुक है, इसमें काफी सारी बुक है, इसमें इनको लिखना पढ़ना ये सब आएगा, और मैथ्स वगैरह भी है इसमें, और काफी अच्छी है ये भी, ये सब मैं इनको पढ़ाऊंगी। फिलहाल तो अभी ये अल्फाबेट्स वगैरह थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। हाँ बेटा, 1-2 इनको आता है, 20 तक इन्होंने सीखा है, कलर करना सीख रहे हैं, बाकी कलर्स पहचानना सीख रहे हैं। तो जो भी चीजें मिली हैं वो काफी अच्छी है और इनके यूज की है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है। और और काफी लोगों ने कैश दिया था, जैसे दादा दादी है, मेरी मम्मी है, इनकी नानी, मतलब उन लोगों ने कैश भी इनके लिए भिजवाया था। और बड़े वाले दादा दादी, मतलब मेरे पर इनके पर दादा दादी, दादा दादी, और उन लोगों ने कैश दिया था, और इनके जो फ्रेंड आए थे उन्होंने भी कैश दिया था इनको, तो उन लोगों को भी थैंक यू जिसने जो दिया। काफी और कोई भूल गया हो तो सॉरी उसके लिए, है ना बेटू। तो ये रहे मेरे बेटू के गिफ्ट्स, आप लोग भी बताना कैसे लगे हैं। तो गाइज ये सब हैं इनके गिफ्ट्स जो कि इनके मामा मामी मौसी मौसा और इनके चाचा दादा दादी सब ने ये सब भिजवाया है, और ये सारे गिफ्ट्स हैं इनके लिए। और सबको थैंक यू, सबको थैंक यू बोल दो बेटा जोर से, थैंक यू सबको बोलो। आप लोगों ने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स, और ये बुआ को भी थैंक यू, बुआ ने ये पंचिंग बैग दिया था, और एक था इनके पास, एक बुआ ले आई थी, बुआ को नहीं पता था कि हमने ऑलरेडी ले आए हैं, तो बुआ को थैंक यू। और सबसे अच्छा मुझे ये बैग लगा था क्योंकि ये पूरा इतना सामान इस बैग में आ जाता है, तो ये मुझे बहुत सही लगा। और मुंबई चलेंगे बेटू, ये बैग लेके चलेंगे, इसमें आपके कपड़े रखेंगे, ठीक है। गाइस सबसे लास्ट और सबसे खास जो एक गिफ्ट है वो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूँ, भाभी ने भेजा है वो भी, पर उसमें उसका नाम लिखा है और भाई अपने प्यारे अभियान भैया के लिए आया है, तो वो अब आप मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या गिफ्ट है। इस ये है अभियान भैया फ्रॉम आध्या, आध्या का नाम इसमें थोड़ा मिट गया है, तो ये गिफ्ट है प्यारा सा, एक छोटा सा अपने भैया के लिए, अभियान को मेरी प्यारी सी भतीजी ने भेजा है, जो कि अभियान ने इसमें से 2-3 ख़त्म भी कर लिए हैं और इतना सारा बचा है अभी। तो थैंक यू मेरी क्यूट सी भतीजी, ये बेटू के लिए आया है, बेटू मेरा बहुत खुश था और इसमें से खाता रहता है वो। तो गाइज़ ये बैग और ये सब मैं समेट के रख रही हूँ, और ये था कुछ इनका गिफ्ट, और ये मैंने कर दी अनबॉक्सिंग, आप लोगों को दिखा दिया कि बेटे को क्या क्या मिला था। अब गाइज मैं ये सब समेटती हूँ, रखती हूँ, क्योंकि इसमें अब मुझे आधे घंटे लगेंगे ये सब हटाने में, और मेरा बेटू अब पढ़ाई करने जा रहा है बेटू। हाँ तो चलो आप पढ़ाई करो, मैं आपका सब सामान रख दी। और ये बैग गाइज इतना अच्छा, मैं मुंबई वगैरह जाऊँगी तो मैं ये बैग इनके लिए अच्छा है कि इसमें मैं इनका सामान रख दूंगी, और इसमें इनके कपड़े रहेंगे पर्सनल, तो मुझे भी इजी रहेगा सब कुछ। तो ये रहा आज का ब्लॉग, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और कैसा लगा आपको गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट सबसे अच्छा था वो भी आप लोग बताइएगा कमेंट में ज़रूर, आपके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो भी अच्छे कमेंट्स होते हैं मैं उस पर रिप्लाई भी करती हूँ। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय करो बेटा, बाय बाय।